प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सदगुरु के प्याम हमारी ओर हैं। हम चाहते हैं कि उनकी नज़र कर्म हम पर पड़ें। हम चाहते हैं कि हमारे हलचल कुछ हलचल हो, प्यार की हलचल। और यही यादें हम सबको संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज की यहाँ खींच के लाती हैं। हम में से कई बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें इन दोनों महापुरुषों के शारीरिक रूप में दर्शन हुए, क्योंकि उनका प्यार, उनके दिखाया हुआ रास्ता ही है जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया, अध्यात्म का रास्ता क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जब भी हम उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुलना शुरू हो जाता है। जब हम अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करें तो उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हम खोज करें, हम रिसर्च करें, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, हम महापुरुषों के शब्दों को जानने की कोशिश करें, चाहे वो किताबों के ज़रिए हों, आजकल ऑडियो वीडियो के ज़रिए हों, कि हम एक रिसर्च करें कि हम ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं तो उस मकसद पर पहुँचेंगे कैसे। हमारा मकसद है क्या, हमारी जानकारी इस ज़िंदगी के बारे में क्या है, हमारा रिश्ता नाता इस सृष्टि के साथ क्या है, हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ क्या है। तो उसकी जानकारी के लिए एक इंसान स्टडी करता है, सोच विचार करता है, रिसर्च करता है, अपना जो भी धर्म ग्रंथ हों जिस जिसमें इंसान बिलीव करता है उनको पढ़ता है, उनको समझने की कोशिश करता है, महापुरुषों की ज़िंदगी के बारे में जानकारी पाता है। महापुरुष तरह तरह के धर्मों में आए, अलग अलग समय पे आए, अलग अलग देशों में आए, तो उनके लिखे हुए जो अनुभव हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी में हुए, ये जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको हम पढ़ते हैं समझते हैं। तो ये एक हिस्सा है पहला। जब इसकी जानकारी करते हैं तो ये तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं और वो कण कण में समाये हुए हैं। यही सारे महापुरुष हमें समझाते हैं, ये हमें धर्म ग्रंथ भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। तो जब ये समझ में आती है तो फिर प्रभु को पाने के रास्ता क्या है उसको हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब हम ध्यान से उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम सब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि पिता परमेश्वर यहाँ कोई बड़ी मुश्किल से कहीं पे पहुँचना हो तो वहाँ पर ही खाली पिता परमेश्वर मिलेंगे। ये समझ में आ जाता है इंसान को कि अगर प्रभु को पाना है तो पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, हमें अंदर की ओर ध्यान करना है। उसे ही भजन सिमरन कहते हैं, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं, उसे ही शांत अवस्था में होना कहते हैं, कि हमें दुनिया की हलचल से दूर होना है और शांति को पाना है जो हम सबके भीतर है, कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हम सबके अंदर हैं। तो ये दूसरा हिस्सा अध्यात्म का है कि हम फिर उस तरीके को अपनी ज़िंदगी में ढालें, अभ्यास करें, मेडिटेट करें, भजन सिमरन करें, मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। और फिर जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, किसी पूर्ण महापुरुष से हमें नाम की देन मिलती है, ये दसवां द्वार खुलता है, शिव नेत्र खुलता है उनकी तवज्जो से, उनकी कमाई से, तो फिर हमें ये भी समझ में आते हैं कि हमने किसी का मददगार होना। हमें बार 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 समझाया जाता है कि एक तीसरा हिस्सा भी है अध्यात्म के रास्ते का, जिसका फल उतना ही गहरा है जितना के अभ्यास करने का है, जितना के मेडिटेशन करने का है। तो निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी जीना, एक दूसरे का मददगार होना, ताकि हम सब की तकलीफ़ें दूर हों, ताकि हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जी सकें, हम सब उस स्टेट में हों
जिसमें कि खुशियाँ ही खुशियाँ हमें आनंद ही आनंद। तो हर एक धर्म में हम देखते हैं कि सेवा भाव के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि इसके जरिए ही इंसान किसी और को पैदा करता है। इसके जरिए इंसान जो उसे मिला हुआ है, जो प्रभु की देन से मिली है, उसको बांटता है, उसको शेयर करता है। इसके जरिए इंसान किसी और के दुख दर्द को हटा पाता है। तो जो सेवा भाव है, जो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, और सेवा जो कि निष्काम हो, जिसमें कुछ ऐसा ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें उनकी ज़रूरत होगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमाते थे, अगर ये हाथ दे रहा है तो इस हाथ को भी मालूम ना हो। एग्जाम्पल दिया करते थे कि जब हम किसी की मदद करते हैं, कि ये नहीं कि किसी को दिखा के मदद करनी है, किसी को बता के मदद करनी है, किसी के सामने मदद करनी है। मदद करनी है क्योंकि हमें अंदर से खुशी हो रही है मदद करने में। और जो सेवा का फल है वो इतना ज़्यादा है कि उनको लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और उसका क्या क्या हमें फल होगा, जब वहाँ पर समझाते कि इतना अच्छा है फल जितना के भजन अभ्यास करके होगा, तो आप समझ सकते हो कि किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से जितना हम सब के लिए कितना बेहतर है। किस किस्म की सेवा होनी चाहिए, एक इस वाक्य से हमें समझ में आ जाता है। अगर आपको ये वाक्य याद रहेगा तो आप देखेंगे कि जब भी आप सेवा करेंगे आपको याद आएगा और आपको समझ में आएगा कि सेवा कैसे करनी चाहिए। एक गांव था, वहाँ पर एक बहुत अमीर आदमी रहता था, तो बट उसको सब ना कंजूस कहते थे, द माइजर उसका नाम रखा था, कि मिस्टर कंजूस, सबसे कंजूस है ये, बहुत अमीर था। उसके पास कोई भी जाता था मदद के लिए, वो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जाके खुद काम करके कमाओ। तो कोई भी उसके पास आता था किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन उसके पास एक भिखारी आया, तो बेचारे को खाने पीने को नहीं था कुछ भी, तो कहीं से पता लगा कि इधर बहुत अमीर आदमी रहता है, तो उसके पास पहुँच गया वो। तो जब उसके पास गया तो जो मिस्टर कंजूस था उसने उसे मदद करने से इनकार कर दिया। तो आदमी कहा कि आप मेरे को थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तो वो जो अमीर आदमी था उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तो बेचारा वो चला गया वहाँ से। तो जब जा रहा था तो रास्ते में जा रहा था, किसी से उसने पूछा कि भाई मुझे कोई मदद कर सकता है, यहाँ पर मुझे बड़ी भूख लगी है खाने की, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, कई दिनों से मैंने खाया नहीं। तो किसी ने कहा कि वहाँ पर जाओ, उस तरफ जाओ, वहाँ पर तुम देखोगे एक छोटी सी कुटिया में कोई गरीब इंसान रहता है, मगर जो भी उसके पास जाता है वो ज़रूर उसकी मदद करता है। तो वो भिखारी ढूंढता ढूंढता उस गरीब इंसान के घर पहुँच गया, और उससे जब मिला तो उसे कहा कि ऐसे ऐसे मुझे तो कई दिन हो गए खाना खाए, तो आप मुझे कुछ खिला सकते हो। तो जब वो अंदर उसके घर में देखा, उसने देखा इसके कहा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ टूटा हुआ और बुरी हालत। लेकिन उस इंसान ने कहा ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे साथ खा लो, जो मैं खा रहा हूँ तो भी खा लें। तो खाना खिलाया और वो भिखारी खुश खुश खाना खा के चला गया। जितने भी लोग थे उस गाँव में सबको पता था कि ये जो बहुत अमीर आदमी है किसी की मदद नहीं करता, ये जो बहुत गरीब आदमी है ये सबकी मदद करता है, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, जो भी हो वो कुछ ना कुछ शेयर कर देता है अपना, जब कुछ भी उसके पास है। ऐसे समय गुजरता गया और कुछ समय के बाद जो अमीर आदमी था उसकी मौत हो गई। अब जो उसकी मौत हो गई तो वो ये कहानी ऐसी जगह की है जहाँ पर लोग जब उनकी मौत उनको दफनाया करते थे, तो उसकी मौत के समय में कोई भी आया नहीं, क्योंकि किसी के साथ उसकी बनी नहीं हुई थी, कोई उसको लाइक नहीं करता था, तो कोई भी नहीं गया। बड़ी मुश्किल से जो गांव के कर्ता धर्ता ने कर करके उसका जो भी अंतिम संस्कार किया, और जो उनका कब्रिस्तान था जहाँ पे वो कब्रें डालते थे, वहाँ पे जो सबसे पीछे अलग सी जगह थी वहाँ जाके उसकी उन्होंने
कब्र वहाँ पे बना के उसको बरी कर दिया वहाँ पर। ऐसे ही जब एक आधा महीना और गुजरा तो जो गांव के लोग थे उन्होंने बात करनी शुरू कर दी कि जो वो गरीब आदमी है उसके पास कोई जा रहा है, तो कोई गया उसके पास तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो कोई और गया उसने उसको भी मदद करने से इनकार कर दिया, कोई और गया उससे भी मदद करने से इनकार कर दिया। तो जो करता धरता था उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो सबकी मदद करता था, इसको क्या हो गया। तो उन्होंने सोचा कि एक तो अच्छा आदमी था हमारे पास जो कि सबकी मदद कर देता था, उसने मदद करनी बंद कर दी। तो उन्होंने कमेटी में से कहा अच्छा एक आदमी को भेजो पता करो कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है। तो वो आदमी उसके पास गया और उसने उसे पूछा कि भाई तुम तो मदद सबकी करते थे, एकदम से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ गया, तुम तेरा काम काज एकदम ख़त्म हो गया, तेरी तो हालत पहले ही ख़राब थी। तो उसने कहा नहीं, बात यह है कि वो जो अमीर आदमी था ना वो बहुत साल पहले मेरे पास बहुत धन लेके आया था और उसने मुझे कहा था कि ये धन तुम जिसको भी ज़रूरत है उसको बांट दिया करो, जो तुम्हारे पास जो भी आता है उसको बांट दिया करो, बट जब तक मेरी मौत नहीं होगी किसी को बताना नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। और कहते कि हर महीने वो मुझे आके धन दे जाता था और वो मुझे जो धन देता था मैं सबको बांट देता था, जो भी मुझे आता था मदद कर देता था। तब जाके वो गांव वालों को समझ में आए कि मदद कौन कर रहा था, कि वो इंसान जिसको सब मिस्टर कंजूस कहते थे कि किसको मदद नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता था कि औरों को पता लगे कि वो मदद कर रहा है, लेकिन वो जो भी कमाता था उसका बहुत सा हिस्सा उस गरीब आदमी के पास पहुँचा देता था ताकि वो मदद कर सके। और आप सोच सकते हैं जो मदद कर रहा है उसके सामने नाम किसी और का आ रहा है, इस किस्म की जो सेवा होती है उसको निष्काम कहा जाता है, जिसमें कि इंसान मदद कर रहा है लेकिन ये नहीं चाह रहा कि लोग बोलें हाँ जी मैंने मदद कर दी, इसने मदद कर दी, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा है, ये अपनी तारीफ नहीं करवाना चाह रहा था। और हमें ये जानना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो प्रभु की आँखों से दूर नहीं है, हमारा सोच हमारा बोल हमारे कार्य सब उनकी नज़रों में है। और बहुत सी बार ये हम सब की ज़िंदगी में होता है कि जब हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ करेंगे लोगों को मालूम होगा तो हम करना शुरू कर देते हैं, जबकि लगे कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इंसान कुछ करता नहीं। तो एक वाकई एक सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं जो कि बहुत बड़े संत हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, उनकी ज़िंदगी का वाकई है जब तक उनकी समझ सही नहीं हुई थी वो किसी दुकान पर काम किया करते थे। दुकान पर जब काम करते थे तो वहाँ एक दिन एक भिखारी आया और भिखारी ने उनको कहा कि उसको कुछ दे, तो उनका नहीं नहीं जाओ जाओ बहुत काम है तो यहाँ से चले जाओ। उन्हें फिर दोबारा मांगा, उन्होंने फिर उसको भेज दिया बाहर। अब जब वो चला गया तो इनको एक ख्याल आया, अंदर से इनकी आवाज़ उठी कि अगर इस भिखारी की जगह कोई आया होता म्यूनसिपैलिटी से या किसी कॉरपोरेशन से या किसी बड़े से ग्रुप से कि तुम थोड़ा चंदा दे दो तो तुम ज़रूर निकाल के चंदा देते इसको, तुमको लगता कि कोई बड़े लोग आए हैं इनको चंदा देना ज़रूरी है तो तुम चंदा देते और तुमने इसको नहीं दिया, उसके अंदर से आवाज़ आई। यही उनकी ज़िंदगी का वाक्य बताया जाता है। और वो भागे भागे गए उसके पीछे और भिखारी को फिर उन्होंने कुछ दिया और उसके बाद कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आ गया, उनकी लाइफ पूरी बदल गई। और बाद में वो सेंट फ्रांसिस बहुत ही मशहूर हैं कि वो सिर्फ इंसानों के नहीं लेकिन जानवर और परिंदे और मछलियाँ तक की मदद करते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत से वाक्य हैं। तो हम सबको जो अपनी ज़िंदगी जीनी है वो सद्गुणों से भरपूर करनी है और उसमें सेवा भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, गुरु नानक देव जी महाराज की जो 500th बर्थ एनिवर्सरी हुई थी उस पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक किताब भी लिखी थी बहुत सी पोइम्स की और उसका अवार्ड भी उन्हें मिला था।
तो उसमें एक जगह गुरु नानक जी महाराज की जहाँ टीचिंग वो समझा रहे हैं कि एक सेवादार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने फरमाया कि न्याजमंद सभी को गले लगाते हैं। न्याजमंद होते सेवादार जो सेवा कर रहा है, कि न्याजमंद सभी को गले लगाते हैं, तमाम फिरकों को एक फर्श पर बैठाते हैं। कि जो एक सच्चा सेवादार है वो हर एक इंसान को गले लगाता है। गले लगाना मतलब प्यार से बातचीत करता है, उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है, उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। और उसकी यही कोशिश होती है सेवादार की कि जो कुछ भी उसको मिलता है उसकी ज़िंदगी में आराम हो, चाहे वो सेवादार पंडाल का हो, सिक्योरिटी का हो, लंगर का हो, कहीं का भी सेवादार हो। उनकी यही कोशिश होती है और होनी चाहिए कि जो भी आया उसको आराम हो, उसको प्यार से मिलें, उसके दुख दर्द को दूर करें, उसको आराम से कहीं पर बैठाएं, उसको जो चाहिए उसको अगर कुछ खाना है तो खिलाएं, कोई उसको प्यास लगी तो उसको पिलाएं, और उसकी सहूलियत के लिए ही एक सेवादार की ज़िंदगी होती है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं, री टीचिंग गुरु नानक देव जी महाराज की हैं, ये समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तमाम फिरकों को एक फर्श पर बैठा दें। अगर इस लाइन को समझें तो ज़िंदगी सबकी आसान हो जाएगी। ये हमें समझा रहा है कि लंगर में क्या होता है, कि जब हम सब सत्संग में आते हैं और उसके बाद फिर लंगर ग्रहण करते हैं, तो कतारों में, लाइनों में एक के बाद एक इंसान बैठता है, सेवादार उनको बैठाते हैं एक लाइन में। वो नहीं देखते कि अमीरों की लाइन अलग कर दो, पढ़े लिखों की अलग कर दो, ये अंग्रेज़ आए इनकी लाइन अलग कर दो, ये गरीब आदमी इसकी लाइन अलग कर दो, ये स्पेनिश बोलता है इसकी लाइन अलग कर दो, ये इंग्लिश बोलता है इसकी लाइन अलग कर दो। वो एक ही लाइन में सबको बैठाते हैं। वो किस लिए? ताकि हम सब जाने हम सब एक ही हैं। कि हमारे रूप अलग अलग हो सकते हैं, हम बाहर से अलग अलग दिखने वाले हो सकते हैं, हमारे बोलने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग हो सकते हैं, हम जो हमारा ख्याल आते हैं वो भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। हम सब पिता परमेश्वर के परिवार की संतान हैं और हम में से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और जब ये इंसान को समझ आ जाए तो वो ज़िंदगी बड़े नम्रता से गुजारता है। ये जो हमारी ईगो है, जो हमें है, जिसने हमें मार दिया है, जो हमें द्वैत की ज़िंदगी में लेके गया है, जो हमें समझाता है कि हम औरों से अलग हैं, जो गलत समझा रहा हमें, वो दूर होती है। अगर एक लाइन गोरों की लगी होगी, एक कालों की लगी होगी, एक देशों की लगी होगी, एक चीनियों की लगी होगी, जापानियों की लगी होगी, तो सब सोचेंगे सब अलग अलग हैं। और जब मिलजुल के बैठते हैं तो सबको मालूम है सब एक ही हैं, कुछ किसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और वही जो ये लंगर का सिस्टम है वो यही समझाता है कि आपके साथ कौन बैठा है, खब्बे कौन बैठा है, सज्जे कौन बैठा है, इसका कुछ आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, पता भी नहीं लगता। और जैसे जैसे इंसान आता जाता है वैसे वो बैठता चल जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि अगर हमने ज़िंदगी के मकसद को सही तरीके से जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हम सब एक ही हैं, हम एक ही पिता परमेश्वर के परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, जेहोवा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, कितने नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, नूर कहें, शब्द कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, नाम कहें, वो शक्ति उत्पन्न हुई जिससे सारी सृष्टि रची गई। तो कवि सफर रहे, हम कौन कहने वाले हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, नीचा है, क्योंकि सब एक ही सोर्स से आए हुए हैं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, बाहरी रूप से हम अलग अलग हैं। आजकल तो साइंस भी ये कह रही है कि मोर देन 99.9% हम सबकी जीन्स एक ही हैं, तो फ़र्क है, कोई कह रहा है 0.1% है, कोई कह रहा है शायद 1% फ़र्क हो। वो सिर्फ है कि हमारी बाहर की अपीयरेंस क्या है, हम लंबे कितने हैं, हमारे नयन नक्श क्या हैं। जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत कम हिस्सा है हमारा, और हम सब उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब
एक ही हैं, और यही महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं, और यही एक सेवादार होने के नाते हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको एक ही नज़र से देखें। अब जनरली क्या होता है, अगर आप कहीं यहाँ किसी ऑफिस में काम करते हैं, बाहर काम करने सब लोग जाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कुछ और कर रहा है, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि जो तो हमारे ऊपर हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, या जिनके बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, उनको तो हम जी हजूर करते हैं, और जिनको हम सोचते हैं हाँ, जो हमारे नीचे हैं उनको हम ट्रीट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, यही महापुरुष समझाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें तो 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा उनके लिए काम करते थे जब वो रिटायर होने से पहले। तो उनका दरवाज़ा हर एक के लिए खुला था, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, तो चाहे कोई गरीब आदमी आ रहा है, या चौकीदार आ रहा है, या कोई और आ रहा है उनके ऑफिस में, और हर एक को वो एक ही नज़र से देखा करते थे। इस किस्म की ज़िंदगी जीने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं, ताकि हम सब जान सकें हम सब एक ही हैं, और प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे की मदद कर कर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करें। हम सबकी मंजिल भी एक है, हम सब इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए आए हुए हैं। हम सब जो कि इस मानव चोले में हैं, जो इंसानी रूप में हैं, हम सब पर प्रभु की बहुत दयामेहर हुई है। उन्होंने दयामेहर की कि हमें 84 लाख जुआ जून में से जो सबसे उत्तम चोला था, जो इंसानी चोला, वो दे दिया, जिसमें सब पदार्थ दिए हुए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं और पिता परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। इसका हमने फ़ायदा उठाना है। अगर उठाया नहीं तो ज़िंदगी तो हो सकता है 80 साल की हो, 70 साल की हो, 100 साल की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। तो ये ज़िंदगी के आखिर तक हम सब पहुँचेंगे, जबकि इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि असली रूप हमारा ये शरीर नहीं। हम सोचते हैं शरीर, हम शीशे में सर्कल देखते हैं, हम सोचते हैं यही मैं हूँ। असल में ये शरीर एक व्हीकल है, इसको हमने छोड़ना है। हमारा सही रूप आत्मिक है, उस आत्मा का हमने अनुभव करना है। तो हमें इसको तो फिर छोड़ देना है, होगा क्या, या क्रिमेट किया जाएगा, इसको आग लगा दी जाएगी, या बरी कर दिया जाएगा ज़मीन में। तो हमें जो हमारी आत्मा है उसको सुंदर करना है, उसको पाक करना है, उसको तंदुरुस्त करना है, उसको आराम देना है, ताकि वो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सके, उसमें प्रभु के लिए प्यार जागृत हो, और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो उसके लिए हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब सेवादार हैं। फैमिली में तो इंसान सेवा करता है, सबसे ज़्यादा माँ हमारी सेवा करती है फैमिली को, चला बच्चों को रेज करना, उनको पालना, ये सबसे बड़ा काम है। हमारे पिताजी नेक सेवा करते हैं, तो पैसे कमाना, घर का ख्याल करना, बच्चों को डायरेक्शन देना, फिर भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सब सेवा ही है, और क्या है। तो हर एक एस्पेक्ट में ज़िंदगी में हमारा किसी ना किसी से तो मेल मिलाप रहता है। हम कहीं पर काम भी करते हैं तो अकेले तो कोई कोई अकेला काम करता है, ज़्यादा लोग तो किसी ना किसी के साथ ही काम करते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना, वो ज़िंदगी जीनी बड़ी ज़रूरी है। ज़िंदगी में सद्गुण ढालना, जिसमें कि हम प्रेम से जिए, नम्रता से जिए, सच्चाई से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ ना लाएं, ऐसी ज़िंदगी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो बार 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 वो हमें समझाते हैं कि हमें एक सच्चा इंसान बनना, एक ऐसा इंसान जो अच्छा इंसान हो, जिसके अंदर सद्गुण हो, और फिर वो भजन अभ्यास करके अपनी आत्मा की जानकारी पाए, उसको जाने, उसको पहचाने, उसको उड़ान दे, ताकि वो आत्मा अंदर के मंडलों का अनुभव कर पाए, ताकि उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो पाए। तो ये सब जबकि हम अपने अंदर सद्गुणों को ढालेंगे, जब निष्काम सेवा भाव से जिएंगे और भजन अभ्यास करेंगे, तब हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा,
अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना, आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको थोड़ी देर में दिखने शुरू होंगे, ऐसे लगेगा रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। और जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चल जाएगा ऐसे लगेगा जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं, और उसके आगे भी आपको कई अनुभव हो सकते हैं, आसमान, उसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे अंदर की दुनिया के आपको अनुभव हो सकते हैं, जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा। और जो जो भाई बहन जिनको नाम की देन मिली है, हो सकता है आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो, अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो उनकी आँखों में देखिएगा। और जो जो अनुभव आपके लिए बेहतर हैं वही आपकी ज़िंदगी में डलते चले जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम तेज़ी से अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चले जाएं और प्रभु की ज्योत के दर्शन हमें खुल कर हों। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।